कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लिए हैं 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 1 सम ऑयल, 2 इक्वल साइज लेमन्स, 1 बॉटल कैप एंड सम सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक लेमन को ग्लास में डालने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सिंक कर गया है, इसका मतलब लेमन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अब मैं इसके अंदर एक बॉटल कैप डालने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो बॉटल कैप है वो पाइंट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब पाइंट की डेंसिटी बॉटल कैप से ज्यादा है। तो इससे शो होता है कि वाटर की डेंसिटी लेमन से कम होती है और बॉटल कैप की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर कम होती है। अब मैं सेकंड ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा नमक डालने जा रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गया है अच्छे से। अब मैं ये जो सेकेंड लेमन है वो इस ग्लास में डालने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लेमन है ये फ्लोट कर रहा है। ये देखिए मैं आपको ग्लास घुमा के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो लेमन है ये फ्लोट कर रहा है, कितनी क्लियरली ये दिख रहा है। तो इससे शो होता है कि सॉल्ट को वाटर में डाल के वाटर की डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। अब हम ऑयल से वाटर की डेंसिटी को चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो आप देख सकते हैं ऑयल ने बिल्कुल डिफरेंट लेयर बना दी है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए कितनी क्लियरली ये लेयर दिख रही है। तो इससे पता लगता है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।